सर करेक्टर अपनी जगह, उस्ताद अपनी जगह। भाई रूहानी उस्ताद तो है, हमने साथ काम नहीं किया, लेकिन हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम यहाँ पर बैठे और मजे की बात है, इनका हमने बहुत काम बेचा है आपस की बात। सर आप कुछ कह रहे थे, थैंक यू वेरी मच आप बहुत अच्छे, प्लीज तशरीफ रखिए ना। सर एक बात कहने थे, प्लीज। हाँ जी प्लीज जी, कही आप क्या कह रहे थे जल्दी से। नहीं नहीं वो मैंने कह दिया, मैंने कहा रेवेन्यू नहीं मांगेगा इसका। हाँ देखिए हमारी ऑनर की बात है कि हमारे उस्ताद, हम बैठे हैं गेस्ट और एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। कोई बात नहीं, पता कि ये जो पंच लाइनें होती हैं ना, ये अलग ही रापे होती हैं, कोई भी कर सकता है। हेलो बट हाय नरम जौहर जी, कैसे हैं आप? बड़ी आज डिस्कुम डिस्कुम एंट्री मारी है। मैं तो बहुत अच्छा हूं बट, लेकिन तुम बहुत बुरे हो ना। मैंने पार्टी रखी, तुम क्यों नहीं आए? पता कितना कुछ था उस पार्टी के अंदर? क्या बड़े पाए थे, बड़ी ओजड़ी थी, बड़ी कलेजी थी, तुम नहीं थे। आज इतने पप्पू गेस्ट तुमने बुलाए ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल करता है कि मैं ना दोस्ताना टू का ऐलान कर दूं। दोस्ताना रहने दें, आप यूं करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 का ऐलान कर दें। और दोस्ताना टू रहने ही दें, काफी लोग हम पे शक करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत साथ रहते हैं। और ये स्टूडेंट की आपने बात की ना सर, मैं कहता हूँ बंदे को इतना भी पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नहीं होना चाहिए कि सामने कुत्ता आ जाए और आप हुश हुश की बजाय कह रहे एक्सक्यूज मी। बरकत उसमें, यहाँ पर देखो ना, वेटरन शो में नुमान एजाज के साथ बैठ के ट्रेजेडी करते रहते हो, मेरे साथ बॉलीवुड चलो, तो मैं आलिया भट्ट और दिशा पाटनी के साथ लेकर ना कोठे टपरी बनाऊंगा। ओ यार खुदा का खौफ का है, नुमान एजाज हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार है। ये नुमान वही है ना, बड़ी बड़ी मूछों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये हाइट मेरा सुल्तान। I love him. जी जी बड़े माशाल्लाह हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है। ये वही एक्टर है ना जिसने अपना एक वेटरन एक्ट्रेस के शो में बैठ के कहा था मैं तो बेगम नु नहीं पता लगन देता। अबे इतने बड़े स्टार हैं वो, स्टार्स के साथ ऐसे छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं, छोड़ दो इस बात को यार। नहीं मैं बात तो छोड़ दूंगा, नुमान को नहीं छोड़ूंगा। बट आई लव सच काइंड ऑफ गाइस। शाहरुख खान भी कहां पता लगने देता है गौरी को। यू नो इस मामले में अक्षय कुमार शाहरुख से भी दो हाथ आगे। ओ भाई खुदा का से क्या ऑडियो वीडियो लीक करने पे आ गए आप? मैं तो लाइव लीक करने के चक्कर में हूँ। रवीना, करिश्मा, रेखा और शिल्पा अक्षय के इन सब के साथ बड़े अफेयर्स मशहूर हैं, लेकिन शाहरुख का आज तक किसी के साथ स्कैंडल फेमस नहीं हुआ। बस करो बट, तुम्हारे पास वो अखबार आती जिसमें समोसे होते हैं। बट आज साबित हो गया तुम्हारा हाजमा ही नहीं, तुम्हारा हाफजा भी कमजोर है। जब फरहान अख्तर डॉन का रीमेक बना रहा था ना, उस वक्त प्रियंका और शाहरुख का ना अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन वो टेस्ट मैच की तरह वही ड्रॉ हो गया। वैसे मैंने हिसाब लगाया कि औरतों की तरह ना आपको भी गॉसिप में बड़ी दिलचस्पी है। कोल्ड ड्रिंक को फूंक मार के पीने वाले भट्ट। तुम्हारा क्या मतलब है मैं किटी पार्टी जो है वो लूडो खेलने के लिए रखता हूँ? और शाहरुख खान क्या कारीगर होंगे, इस काम के पीर कारीगर हम हैं। दर्जनों भर मुआशके थे हमारे, लेकिन जोधा बाई को कभी भिनक नहीं पड़ने दी। और तो कैसे पड़ती, मुंह काला होता तो वो पहचान ही नहीं सकती थी। इस नरम जोर गुस्ताख को जनाना कपड़े पहना कर मौत के कुएं में फेंक दिया जाए। अच्छा ये सजा नहीं दे रहा? हाँ। इसका बिजनेस है। मौत के कुएं में डांस करता है ये। हाँ। और वहां पर पेंडू आके ना उसको खुले पैसे मारते हैं। और ऊपर आवाज तो जाती नहीं, डांस करते करते इशारों से मना करता है कि खुले पैसे नहीं मारो आंख में लग जाएंगे। उसमें आपने इंडिया में लाफ्टर चैलेंज 2 में हिस्सा लिया था, फिर आप सीजन 4 में दोबारा गए और इस दफा आप बरकत के साथ गए, लेकिन आप बगैर परफॉर्म की वापस आ गए। उन्होंने बरकत नहीं पसंद आया? नहीं उन्हें परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, काफी तकरीबन एक महीना वहां रुके और उसके बाद फिर नहीं रुक पाए। यहाँ बहुत सारी कमिटमेंट थी एक चैनल के साथ, तो इस वजह से वापस आ गए। अच्छा इसलिए वापस आ गए। बट तुम्हारा शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह थैंक यू। इसकी सबसे खास बात पता क्या है? मैं इसने इसमें खड़े होने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया तूने। बैठने के लिए नहीं कहोगे?
देखिए हमारे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठेंगे? तो मैंने भी 10 मिनट ही रुकना होता है। लेकिन अगर सामने वाला ना रुके तो फिर क्या करते? फिर मैं बैठा रहता हूँ। क्योंकि मेरा उठना बैठना है ना। पहली दफा नरम सोफे पे बैठ रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, गर्म सोफे पे बैठा हूँ मैं, नरम हूँ। वैसे मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आ रही, एक के बाल आ नहीं रहे, दूसरे के जा नहीं रहे। एक के बाल बैठते नहीं, एक के खड़े नहीं होते। तुम्हारा तो बाल बाल कर्जे में है। अच्छा नरम जौहर साहब, एक बात आपने बालों की, मुझे ऐसा लगता है, आप इस बात से एग्री करें कि मैं, मुझे ऐसा लगता है सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर ले तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं, तो चौथे दिन मुंह भी तो काला हो जाता है। मुझे एक बात बताओ जी सर, किसी ने क्या बात की जो बाल इतने खड़े हो गए? बालों से खींच के लाए सर। अच्छा अच्छा, रजाई से ऐसे निकल के आ गए? वो भी अकेले। ये रजाई का काम है या परजाई का काम? सर मैं तो बैचलर हूँ सर, परजाई का। मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते बट साहब जी, कुछ कवारे भी होते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताइए बात सच है, प्यार अगर झूठा निकले तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है और सच्चा निकले तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है? नहीं नहीं, बच्चे तो संभल ही जाते हैं, बंदे से नहीं संभला जाता। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। Watch my bro, selected Kalopatra, imported Kalopatra, ते James Cameron दे वलो, सारी टीम नू, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। James Cameron, yes. 70 के होने वाले हैं आप, पता नहीं जिंदगी और कितना साथ देगी। एक ऐसी फिल्म बना दो कि मैडम टुसाउ म्यूजियम में मेरा भी एक मुजस्मा लग जाए। वाह, वेरी बैड। पहली गल तो तू मैनू 70 साल का कह के बुजुर्ग पोर्ट्रे कर रही है, हालांकि तुम्हारे मुल्क 70 साल का बाबा नौजवानों का लीडर बनया होया। कैमरॉन जी। जी अम्मी जी। ओ सॉरी सॉरी, कैरी ऑन। जिंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह ना करे तेन कुछ होवे, अल्ले तू वेखे की है। मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही थी, बुजुर्ग हो गए हैं, बस जाते जाते टर्मिनेटर का फाइनल चैप्टर बना के मुझे अमर कर दीजिए। ओह, और हाँ, मैडम टुसाउ म्यूजियम में मुझे एंजेलिना वाली जगह चाहिए। ओ, मैं बड़े अफसोस नाल कह रहा हूँ, एंजेलिना वाली जगह थानू नहीं मिल सकती क्योंकि थोड़े ओडे बोल ही नहीं है। वो जगह पहले तो नसीम विकी ले गया, बुल बेचते। लो फिर बट तेरे शोच खलो के ऐलान कर रहा वा मैं कि सिलेक्टेड कलोपत्रा ते बरकत नु रह के मैं कॉमेडी फिल्म बना रहा जीरा ब्लेड, उजमी ते इंपोर्टेड कलोपत्रा नु मिक्स करके बना रहा नौकर वोटी का। ओहो, अच्छा नौकर वोटी का इसके साथ क्यों बनानी है? इसकी रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आई? बट दूरों ही हाथ सोट जैसे हम पूछे, रोल बहुत अच्छा करेगा पला, क्यों? क्यों? एक कार्च भी नौकर वोटी दाई है। पापी इनू कह भी रही होंगी, अज मैं घर का कोई काम नहीं किया, फिर भी उन्होंने दबा के सौंदा है। हालांकि किधरे खानदान च शादी ब्याह जावे तो भाभी भी इन बहुत जबाती है।